रसूले करीम अम्मा बात मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों अजीज साथियों स्टेज पे तशरीफ फरमा हमारे विधान मंडल अध्यक्ष कुर्बान चौधरी साहब, विधानसभा अध्यक्ष अजय हयाती साहब, नेताजी इस्तकार साहब, हम्माद आजम साहब, सादाब चौधरी साहब और तमाम जितने जिम्मेदार हमारे साथी स्टेज पर तशरीफ फरमाए सभी का मैं इस्तकबाल करता हूँ, सभी को सलाम अर्ज करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। बात सलाम अर्ज करता हूँ मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों अजीज साथियों, इस मुल्क को आजाद हुए 70-72 साल हो गए, हमने दीगर पार्टियों को अपना वोट दिया, सपोर्ट दिया, लेकिन हमें बदले में मिला क्या? आज हम सबसे बड़े गुनहगार ये हैं कि हम अल्लाह को मानने वाले हैं, काली टोपी ओढ़ने वाले हैं। क्या हिंदुस्तान के अंदर काली टोपी ओढ़ना जुल्म है? ये संविधान के अंदर सबको आजादी है कि हर आदमी अपने अपने धर्म को अपने हिसाब से मान सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि हम सब इस मुल्क के अंदर आजाद हैं, तो हमें आजादी है अपने धर्म को सही तरीके से लेकर चलने की, इसी तरीके से हमें आजादी है एक पार्टी को सपोर्ट करने की। आज तक हमने तमाम पार्टियों को सपोर्ट किया, वोट किया, लेकिन किसी ने हमारा साथ दिया। आज अल्लाह का एहसान करम है कि हमारे बीच अपनी पार्टी आ गई है, इसका नाम है ऑल इंडिया मजलिस-ए-तहदीब मुस्लिमीन, जिससे हमारे प्रत्याशी है तस्लीम अहमद फौजी साहब। तो हमें इस बार अपनी पार्टी को बनाना है। अभी आप जानते हो कि एक आदमी है सुनील कुमार, जिसका बयान था कि मुसलमान औरतों को, बच्चों को और बेटियों को कमर से निकालकर उनका बलात्कार किया जाए, ऐसे आदमी को सपा ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। तो आप बताओ हम सपा को वोट करें या अपनी पार्टी को वोट करेंगे? तो हमारा कहने का मकसद यह है कि ऐसे लोगों को हमें सपोर्ट करना है जो देश को आगे लेके चले, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की बात करे, नौकरियों की बात करे, विकास की बात करे, जो हमारे अंदर बंटवारा करे उन लोगों का हमें विस्तार करना चाहिए, ऐसे लोगों का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। टाइम की कमी है, मैं दो फिर कहकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। प्रोग्राम को बिल्कुल आगे बढ़ाते हुए हमारे विधानसभा सचिव रहमत अली साहब यहाँ मौजूद हैं, मैं उनको आवाज देता हूँ, वो अपने 2 मिनट में बात खत्म करें। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और स्टेज पे तशरीफ फरमा मेरे सभी मेहमान और जिम्मेदार हजरात, मैं आपको सलाम अर्ज करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। सदरे मोहतरम, आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं क्या देश के क्या हालात हो चुके हैं और किस तरह से हमें जिंदगी गुजारना पड़ रहा है। मुझे बताने की जरूरत नहीं, आज ये है कि जनाब बैरिस्टर ओवैसी साहब यहाँ पर तशरीफ ला रहे हैं। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, मैं पिंडाल में आकर उनका जोरदार स्वागत करें और इस्तकबाल करें। मुझे इससे याद आ रहा है कि जिंदगी जख्मों से भरी है, कि जिंदगी जख्मों से भरी है, मरहम लगाना सीख लिया, कि जिंदगी जख्मों से भरी है, मरहम लगाना सीख लिया, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी क्यों ना करें जब आप हमारे साथ हैं। मोहतरम बुजुर्गों, हमारे यहाँ पर वक्त की किल्लत है, मन तो बहुत कुछ कह रहा था और इसी शेर के साथ अपनी विदाई चाहूंगा कि काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, काश मेरे मुल्क की
मुसलमान को भी हो। काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर चले तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो न पाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगेबान को भी हो। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी रहमत अली बोल रहे थे, हमारे दरमियान में प्रदेश सचिव मौलाना इमरान कासमी साहब भी तशरीफ फरमा चुके हैं। हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हस्तिनापुर विधानसभा से ताल्लुक रखने वाले आरिफ पठान साहब, मैं उनसे दरखास्त करता हूं दो मिनट में अपनी। सभी हजरात को अस्सलाम वालेकुम। वक्त की कमी देखते हुए मैं चार मिसरे पढ़ूंगा सिर्फ। नफरतों के मौसम में उल्फते जगाएंगे, नफरतों के मौसम में उल्फते जगाएंगे, हिंदू और मुस्लिम को हम गले लगाएंगे, हिंदू और मुस्लिम को हम गले लगाएंगे। ऐ मेरे वतन बनाएंगे, और एक शेर और हाजिर कर दूं फिर मैं अपनी जगह ले लूंगा क्योंकि वक्त की कमी देखते हुए। मुल्क को तुमने ये क्या से क्या कर दिया, मुल्क को तुमने ये क्या से क्या कर दिया, जो ना हो ना था भारत में वो कर दिया, मुल्क को तुमने ये क्या से क्या कर दिया, जो न हो न था भारत में वो कर दिया, हिंदू मुस्लिम को तुमने जुदा कर दिया, हिंदू मुस्लिम को तुमने जुदा कर दिया, रहना आपस में तुमने सजा कर दिया, रहना आपस में तुमने सजा कर दिया, साथ मिलकर जो चलते थे पहले कभी, साथ मिलकर जो चलते थे पहले कभी, खत्म तुमने हमारा मिलन कर दिया, जहर नफरत का दिल में जो ये भर दिया, जहर नफरत का दिल में जो ये भर दिया, जो न हो ना था भारत में वो कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दरमियान में हमारे मेहमान शाहजमान से ताल्लुक रखते हैं जावेद प्रधान साहब, वो भी तशरीफ फरमा चुके हैं, उनका तहे दिल से इस्तकबाल है, शुक्रिया है। इसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम हमारे दरमियान में हापुड़ की टीम भी तशरीफ फरमा चुकी है, विधानसभा अध्यक्ष भी यहाँ पे, विधानसभा अध्यक्ष गढ़ भी तशरीफ फरमा चुके हैं, उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, खैर मकदम करते हैं। इसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए बिल्कुल हम हस्तिनापुर से ताल्लुक रखने वाले हमारे प्रदेश सचिव विनोद जाटव साहब को आवाज देते हैं कि वो चंद मिनटों में अपनी बात को खत्म करके अपने ख्याल रखें। विनोद जाटव साहब।
इसी थोड़ा प्रोग्राम को चेंजिंग करते हुए हम आवाज लगाते हैं। हमारे दरमियान में एक मेहमान है जो मंडल सचिव हैं, शाह कमर तुफैल साहब, मैं उनका आवाज लगाता हूँ, वो अपने ख्याल रखें, चंद मिनटों में अपनी बातों को पूरी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میری تقریر اس خالق اور مالک کے نام کو لے کر شروع ہے جس کے قبضے میں آپ کی اور میری تمام مخلوق کی جان ہے۔ پوری دنیا اور پورے عالم میں بالخصوص ہندوستان میں کیا گزر رہا ہے، کیسے حالات ہیں ملک کے، وہ تمام آپ جانتے ہیں۔ ملک کے حالات سن 2014 کے بعد کس طریقے سے کروٹ بدلتے ہوئے تبدیل ہوئے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں۔ ملک کے حالات کو یکساں اور بہترین کرنے کے لیے ہی ہم جدوجہد اور کوشش کر رہے ہیں۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ آخر یاسر الدین اویسی بیرسٹر کون ہے؟ بہت سے نوجوانوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے اور بات آتی ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ اسد الدین بیرسٹر جو ہے اویسی صاحب، وہ آپ کے ترجمان ہیں، آپ کے حقوق کے علم بردار ہیں۔ آپ پہ جب پورے بھارت ورش کے اندر جہاں بھی منچ پہ جو بیٹھے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ جوتی چپل اوپر لے کے نہ بیٹھے کہ منچ گندا ہو جائے گا سارا۔ میری گزارش ہے ان لوگوں سے، سب سے تمام بھارت ورش میں جب آپ کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا جاتا ہے، آپ کے ساتھ ناانصافیاں ہوتی ہیں، تو وہی اسد الدین اویسی ہوتے ہیں جو آپ کی بات سنسد بھون سے کہتے ہیں۔ بابری مسجد کی شہادت ہو یا اس کے مقدمے کی پیروکاری ہو یا این آر سی کا مدعا ہو یا گائے سے تعلق رکھنے والی موم لنچنگ کا مدعا ہو یا دادری کے اندر اخلاق کے فریج کے اندر گوشت کے نام پر اخلاق کو پیٹ پیٹ کر ہلاک اور شہید کیے جانے کا مدعا ہو، اگر کوئی تمہاری شریعت کی ترجمانی کرتا ہے، تمہارے حقوق کی ترجمانی کرتا ہے، تو وہ اسد الدین اویسی ہے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک چیز اور بتا رہا ہوں، اور اہل کتھول کو میں آواز دے کر اس کے ضمیر کو جگہ دینا چاہتا ہوں۔ اہل کتھول کے لوگ اور آس پاس کی ودھان سبھاؤں کے لوگ اور یہاں دیکھے مہمان خصوصی میری بات پر توجہ دے، اگر آج بھی آپ سیکولرزم کی جو دعائی دینے والی سیکولر پارٹیاں ہیں، اگر آپ ان کے جھانسے میں رہیں گے اور اپنے وقت اور اپنی ووٹ اور اپنی جان کو برباد کرتے رہیں گے، تو خدا کی قسم آپ کا بھلا نہیں ہوگا۔ پوری دنیا کی رنگت، پوری دنیا کے حالات یکساں تبدیل ہو رہے ہیں، آپ دنیا کے حالات تبدیل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ میں کیول آپ سے یہی بات کہتا ہوں کہ اگر آپ کو ہمارے درمیان میں ہاپوڑ سے ہمارے ہاپوڑ ضلع ادھیکش تشریف فرما چکے ہیں، ہم ان کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں، اور مہیلا پرکوشٹھ سے ضلع ادھیکش کنچن دیوی بھی ہمارے بیچ موجود ہے، ان کا ہم تہ دل سے استقبال کرتے ہیں، سواگت کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دیکھیے میری طبیعت اور میرا دل ملک کے حالات پہ ٹاپک ٹو ٹاپک آپ کو بتانے کا تھا، مگر پیچھے سے جو میرے ورشٹھ پد ادھیکاری ہیں جو یہاں کے مینجمنٹ کو سنبھال رہے ہیں، ان کا سخت اور بہت سخت مجھے آدیش ہے، حکم نامہ آیا ہے کہ میں اپنی تقریر کو فوراً اسٹاپ دوں اور بند کر دوں۔ میں مجبور ہوں، میں حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے میں مجبوراً اپنی تقریر کو روک رہا ہوں، نہیں تو آج میرے دل کے اندر جذبات اور خیالات تھے کہ ملک کے ہر ایک ٹاپک اور ایشوز پر آپ کے سامنے اپنے خیال کو پیش کروں، مگر میں حکم نامے پہ مجبور ہوں۔ خدا حافظ۔ جو پوری ٹیم میری ضلع ادھیکش صابر قصاب صاحب اور پوری جی کنچل صاحب جو مہلا ضلع ادھیکش ہیں ہاپوڑ ضلع سے، اور ان کی پوری ٹیم کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے Thank you.
हाँ, मैं डॉक्टर इसरार को आवाज देता हूँ, आए और अपनी दो मिनट में बात खत्म करें। डॉक्टर इसरार साहब, भैया हमारे कुछ मेहमान जो बाहर से आ रहे हैं और मुकामी लोगों से गुजारिश है कि भाई स्टेज को खाली करते रहें। ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग क्या कहते हैं जम के बैठे रहें, ये मेहमानों के लिए जो स्टेज पर कुर्सियां हैं वो मेहमानों के लिए हैं, इसलिए आपकी हमारी जिम्मेदारी है कि खड़े होकर के मेहमानों का इस्तकबाल करें। अस्सलाम वालेकुम। देखो तकरीर करने के लिए तो हम सुनने के लिए आए हैं बैरिस्टर साहब की, मैं बैरिस्टर साहब के लिए कुछ शेर कहे हैं वो आपको सुना देता हूँ। हो अता हौसला सिकंदर का, हो अता हौसला सिकंदर का, तेरी हिम्मत खुदा जमा रखे। हो अता हौसला सिकंदर का, तेरी हिम्मत खुदा जमा रखे। कलमाए हक जो बोले सूली पर, कलमाए हक जो बोले सूली पर, मुंह में अपनी तू वो जुबा रखे। है खुदा से दुआ असर जो इसी पर, अपनी रहमत को मेहरबान रखे। और चार मित्रों समाप्त करें। देश पर अपने मरने मिटने को, देश पर अपने मरने मिटने को हौसला दिल में तुम जमा रखना। देश पर अपने मरने मिटने को हौसले दिल में तुम जमा रखना। नफरतों के दिए बुझाने हैं, अपनी फूक में आंधियां रखना। शुक्रिया। प्रोग्राम को बिल्कुल आगे की तरफ बढ़ाते हुए मैं आवाज देता हूँ। जिले की जिलाध्यक्ष साहब हूँ, कंचन साहब से कहूंगा कि महिलाओं का जो मंच है वो उधर बैठ जाएं। आपके एक साथ दो साथ जितनी महिला हो आप महिला मंच पे बैठ जाएं। मैं अब आवाज देता हूँ अहमद फराज साहब को, जो प्रभारी हैं हस्तिनापुर विधानसभा से। मैं उनसे दरखास्त करता हूँ चंद मिनटों में अपनी बात को खत्म करके अपने ख्याल। Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the especially merciful. When we start anything in the name of Allah, automatically we have a sense of comfort. मैं अपनी बात को अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा किठोर के विधानसभा अध्यक्ष जनाब हयाती साहब का, जिन्होंने मुझे इस मंच पर बोलने का मौका दिया और मंच पर सभी उपस्थित जिम्मेदारान हजरात का मुझे जो है सिर्फ एक मिनट के लिए बोलने का मौका दिया गया है। दिल में सियासी बातों को रखने का तो जज्बा बहुत था, लेकिन पीछे से आवाज है कि सिर्फ आप अपनी एक मिनट के अंदर अपनी बात को रखें। तो एक मिनट के अंदर कोई लंबा चौड़ा बयान तो नहीं हो सकता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप सभी की जो है जो मोहब्बत है वो उवैसी साहब के लिए है और आप सभी जो है पार्टी के लिए सिर्फ काम करते रहें और मेहनत करते रहें और पार्टी को बढ़ावा देते रहें। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। प्रोग्राम को आगे की तरफ बढ़ाते हुए हमारे बीच एक मेहमान है जो हापुड़ के महिला जिलाध्यक्ष के रूप में मौजूद हैं, कंचन जी। मैं उनसे दरखास्त करता हूँ और चंद मिनटों में अपने ख्याल को इजहार कर। मैं आवाज देता हूँ, मेरे मंडल मीडिया प्रभारी शादाब चौधरी आए अपनी बात रखें। चौधरी शादाब, तो
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम बुजुर्गों, साथियों, आज की जो ये सभा है, इसमें आज जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब आ रहे हैं, जो आपके मसले मसाइल संसद से लेकर पार्लियामेंट तक उठाते हैं। हम सबको मुत्तहिद होकर उनके लिए वोट करना है और सपोर्ट करना है और उनके लिए मजबूत करना है, क्योंकि आज जो पॉलिटिक्स हो रही है वो बंटवारे की हो रही है। मुसलमानों को पीटा और घसीटा जा रहा है, लिंचिंग हो रही है। हमारे दरमियान हस्तिनापुर जो हस्तिनापुर से चलकर आ रहा, बहुत जन सलाम मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप ही थोड़ी सी साहब और पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। मुसलमानों की लीचिंग हो रही है गोश के नाम पर। आपका भी मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। अब्दुल्ला फरीदी साहब, माजी साहब।